मंगलवार को आगामी त्यौहार रक्षाबंधन और ईद को देखते हुए तत्काल बुलाई गई क्राइसिस मैनेजमेंट समिति की बैठक में शहर को 30 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक खोलने की सहमति बनी है। इसके तहत इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने आदेश जारी किए हैं। समिति के वरिष्ठ सदस्य कृष्ण मुरारी मोगे ने बताया कि अभी समिति के सदस्य विधायक रमेश मेंदोला, आकाश विजयवर्गीय, पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता, मनोज पटेल और भाजपा अध्यक्ष गौरव रणदिवे, राजेश सोनकर ने कलेक्टर और डीआईजी के साथ मीटिंग की है। उसमें व्यापारी एसोसिएशन की ओर से जो सुझाव आए थे उसको प्रशासन के सामने रखा गया। सभी व्यापारी एसोसिएशन ने त्योहारों को देखते हुए पूर्ण शर्तों के साथ अपनी दुकानें खोलने की अनुमति मांगी थी, जिस पर यह निर्णय लिया गया है। इस संबंध में कलेक्टर मनीष सिंह जल्द ही आदेश जारी करेंगे। अगर इन दोनों का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से जो शहर खुलेगा इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, शहर में अमन चैन निर्माण होगा। और इसलिए हर वर्ग से मेरी ये निवेदन है कि जो उसकी गाइडलाइन है उसका पालन करें और कोरोना से बचाव में योगदान। देखिए ऐसा है कि अभी जो पेशेंट्स आ रहे हैं यहाँ पे संख्या का 70 के करीब आई, इसके पहले भी 125 ऐसी संख्या आई और बीच में हमने जो कुछ मार्केट खोले थे उसके बाद में भी कोई बहुत ज़्यादा इसमें इजाफा नहीं है। और हमारा अंतिम उद्देश्य है कि शहर जो है वो सामान्य दिशा में बढ़े और लोग अगर पालन करेंगे तो अभी तो 4 दिन के लिए ये सारी बातों को बुक किया है। हमने सारे एसोसिएशन से अलग अलग जो बातचीत हुई है उन्होंने आश्वस्त किया, तो आखिरकार विश्वास करना पड़ेगा। और हम ऐसा मानते हैं कि उन्होंने जो आश्वासन दिया उसका वो सख्ती से खुद भी पालन करेंगे और पालन करवाएंगे। पिछले 3 दिन से कांग्रेस लगातार विरोध कर रही थी, शहर में अलग अलग जगह जाके बाजार खुलवाने की बात कही जा रही थी। देखिए कि कांग्रेस को तो कोई जो भी इशू चाहिए, जितना कोरोना का संक्रमण फैला उस समय जो पेशेंट्स हुए देखना चाहिए कि आखिरकार उसको बचाव में उन्होंने क्या किया। ये सब आप लोगों के सामने है, इतने पेशेंट्स जो मजदूर वर्ग आया उसके लिए कई कांग्रेस की भूमिका देखी क्या है, या बस्तियों के अंदर जो लोग परेशान थे उनके लिए कुछ किया जाए, ये तो सस्ती लोकप्रियता वाली बात है। और उनको यह अंदाज होगा कि हम भी उस दिशा में सोच रहे हैं तो शायद एक क्रेडिट लेने की बात है। इंदौर से विजय बंगाली की रिपोर्ट।